यह बात तो सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन हिंदू धर्म है, जिसके अनुयायी दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं। हिंदू धर्म अनुयायियों ने गहरी आस्था के साथ विशाल एरिया में बड़े बड़े हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया है। सभी लोगों को यह जिज्ञासा हो सकती है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल हिंदू मंदिर कौन से है। अपने क्षेत्रफल के अनुसार नंबर 10 पर है दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता। यह मंदिर भारत के बंगाल राज्य के कोलकाता शहर में बना हुआ है। इस मंदिर का कुल क्षेत्रफल 1,170 वर्ग किलोमीटर है। नंबर 9 पर है अरुणाचलेश्वर मंदिर तिरुवन्नामलई। भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुवन्नामलई नामक स्थान पर यह प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। मंदिर कुल 1,171 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। नंबर 8 पर है बृहदीश्वर मंदिर तंजोर। यह मंदिर भी तमिलनाडु के तंजोर शहर में बना हुआ है। बृहदीश्वर मंदिर का एरिया 1,02,400 वर्ग मीटर है। नंबर 7 पर है परम्बनन त्रिमूर्ति मंदिर इंडोनेशिया। विश्व प्रसिद्ध परम्बनन त्रिमूर्ति मंदिर इंडोनेशिया के जावा में स्थित है। अत्यंत प्राचीन यह मंदिर 1,52,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नंबर 6 पर है श्री थिलाई नटराज मंदिर चिदंबरम। भगवान शिव का यह मंदिर तमिलनाडु राज्य के चिदंबरम में बना हुआ है। मंदिर का कुल क्षेत्रफल 1,60,000 वर्ग मीटर है। नंबर 5 पर है बेलूर मठ हावड़ा। स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित यह मंदिर भारत के ही बंगाल राज्य के हावड़ा शहर में स्थित है। मंदिर का कुल क्षेत्रफल 1,60,500 वर्ग मीटर है। नंबर 4 पर है अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली स्थित यह मंदिर सबसे नया मंदिर है। अक्षरधाम मंदिर का कुल एरिया 2,40,000 वर्ग मीटर है। नंबर 3 पर है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर तिरुचिरापल्ली। अत्यंत प्राचीन श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली में स्थित है। इस मंदिर का कुल क्षेत्रफल 6,31,000 वर्ग मीटर है। नंबर 2 पर है अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया। दुनिया भर की आस्था और आकर्षण का केंद्र यह मंदिर कंबोडिया राज्य के श्याम री प्रांत में बना हुआ है। अंकोरवाट मंदिर 16,26,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। नंबर 1 पर है श्री पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू। भगवान शिव का यह मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में बना हुआ है। मंदिर का विशाल आकार 24,60,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है।